विद्यार्थी मित्रों केम छो मजा में। आज आप धोरण आठ विषय हिंदी पाठ आठ में क एक कहानी आप समझा था एना आज अभ्यास प्रश्न सॉल्व करी। राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे क और कब? राहुल के पिताजी उपवन में सुबह के समय में भ्रमण कर रहे थे। छे प्रश्न बे, आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? तो जवाब, आखेटक ने राहुल के पिताजी से हंस को मांगा जिसका निशाना बनाने की में सिद्धि प्राप्त की थी। उपवन की शोभा कैसे थी? उपवन में अलग अलग रंगों के फूल खिले हुए थे, इसके ऊपर ओस की बिंदे जिन मिला रही थी। हवा हल्के झोंके झोंके के बीच पानी लहराता था, इस प्रकार उस उपवन में शोभा सुंदर थी। माँ ने से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी निरापराध को कैसे मार सकता है, वह हंस रक्षक के पास रहना चाहिए क्योंकि उसे उसकी दया पर बचाया है। हवे छे प्रश्न पाँच, प्रस्तुत कथा काव्य का सार बताइए। प्रस्तुत कथा में कहा गया है कि हमें किसी भी जीव को अपराध के बिना कभी मारना नहीं चाहिए। इस दुनिया में सभी जीवों को जीने का समान अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी हानि को पहुंचाता है तो उसे उस वक्त रोकना चाहिए। हवे छे अभ्यास नो प्रश्न बे, लड़की ने नई सलवार पहनी जेना अंदर वचन बदली अने फरीथी वाक्य लखवानो छे। तो जवाब छे लड़किया, एक वचन नु बहुवचन थई जशे, लड़किया ने नई सलवारे पहनी। हवे बीजो प्रश्न, अध्यापक ने छात्र को कहानी सुनाए तो एनु बहुवचन थशे अध्यापकों ने छात्रों को कहानियां सुनाए। हवे छे तीजो प्रश्न, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की तो प्रधानमंत्री ने मंत्री नु थशे मंत्रियों से, देश की समस्या नु थशे समस्याओं पर बातचीत की। इस पत्रिका में जो कविता छपी है वह बहुत मनोरंजक है, इस नु थशे इन पत्रिकाओं नु थशे बहुवचन पत्रिकाओं, वह नु थशे वे। इस पत्रिका में जो कविताएं छपी हैं वे बहुत मनोरंजक हैं। हवे छे प्रश्न पांचमो प्रश्न, लू चलने के कारण लता सूख गई। लू चलने के कारण लताएं सूख गई। विद्यार्थी मित्रों आ सवाल जवाब तमारे नोट में सारा अक्षर थी लखवाना छे।